गीता, तुमने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब तुम्हारे भाई को भी तो अपना फर्ज निभाना चाहिए। कैसा फर्ज? अपनी छोटी बहन के हाथ पीले करके उसे डोली में बिठा के हमारे घर तक पहुंचाने का। मगर हुजूर, शायद आप ये भूल रहे हैं कि आपके अब्बा हुजूर तो हमें रिजेक्ट कर चुके हैं। लेकिन मोहतरमा, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके अब्बा हुजूर हमें जरूर सेलेक्ट कर लेंगे। बस आप एक बार हमारी पब्लिसिटी जमा के हमें उनके सामने पेश कर दीजिए। अब आप कैसी बातें कर रहे हैं? अपने शरीके जिंदगी का अपने अब्बा हुजूर से मैं भला कैसे जिक्र कर सकती हूँ? तो मोहतरमा, आप अपने भाई जान की शरीके जिंदगी का फायदा उठाइए। भाभी, गुड आइडिया। बेटी कौन है भगवान, उसे घर बुला। हाँ, देखे देखे। परसों शाम को आ रहा है। अरे शर्मा है। देख भाई, आज मैं बहू वाली बन गई, कल पोते पोतियां वाली भी बन जाऊंगी। मगर तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। कौन सा वादा? वही कि तुम अपनी शादी पर मुझे बनारसी साड़ी लाके दोगे। मुझे तो लगता तुम दोनों के नसीब ठंडे हैं, न इसे नेपाली जोरू मिलने वाली न तुम्हें बनारसी साड़ी। देखो जीजा जी, मुझे ताव मत दीजिए, अगर चाहूं तो आज शादी कर सकता हूं। तो पर क्यों नहीं करते? सोचो कि मेरे जोड़ की कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कौन सी कन्याकुमारी बैठी है। और रही साड़ी की बात, तो अगली दिवाली तक अगर मैं अपनी बहन को बनारसी साड़ी पहनाकर दुल्हन बनाकर आपके साथ ना खड़ा कर दूं, तो मेरा नाम भी बजरंग बहादुर नहीं है। क्या है बजरंग? क्या है बजरंग बली कंपनी? No, I won't get it. Hello, extra. घर में कोई नौकर नहीं है क्या? रीना, महीने में एक बार तो इस किटी पार्टी का दिन आता है जिसका हम लोग सब बेचैनी से इंतजार करते हैं। ये खाएंगे पियेंगे एंजॉय करेंगे। लेकिन रीना, बुरा नहीं मानना, यहाँ तो कुछ खटन सी महसूस हो रही है। अब अगर तुम्हारी बारी आए तो अपनी दीदी के यहाँ पार्टी करना, नहीं तो फिर हॉलीडे। ओके ओके तो सन सन में। ओके मैम साहब, चलिए पता फेंक चलो। रीना चलो चलो जल्दी चलो, चाय वाय पियोगी? अरे पापा चाय आ रही है, तुम तो सब लोग हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई हो। गीता। हाँ माँ। इसे ले जा, तब तक मैं चाय तैयार करती हूँ। अब मुझे ही देखो, डोली आई ससुराल में, खाना खाया होटल के डाइनिंग हॉल में, और सुहागरात मनाई ताज महल में। बिल्कुल ठीक है, भला शादी के बाद सास ससुर के साथ रहने में क्या सुख है, और फिर बूढ़ों के साथ रह के तो जवान भी बूढ़े हो जाते हैं। रीना, प्रकाश की तो बहुत टॉप पोजीशन है, मेरी मानो तो किसी कोठी या बंगले में जाकर रहो। बुरा न माने तो आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। रीना, ये क्या चीज है? ये गीता है, मेरी बहन। देखिए, आप पढ़ी लिखी हैं, अपनी सहेली को ऐसी पट्टी पढ़ाना आपको शोभा नहीं देता। गीता। रीना, हमें यहाँ पर बेइज्जत करवाने के लिए बुलाया था। देखिए, मैंने आपकी बेइज्जती नहीं की। Shut up and get lost. You shut up and get lost. This is our house, not a club. गीता। रीना, बहुत बहुत शुक्रिया, जो खातिर तुमने हमारी की है इसे हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। चलो कमर, कम ऑन रूपा, सुनो तो रूपा। आई एम सॉरी भाभी। रीना,
I'm sorry, डॉली, फिर ऐसा कभी नहीं होगा। मैं गीता को समझा दूंगा। तुम गीता को तो समझा दोगे, लेकिन मेरे फ्रेंड्स को कौन समझाएगा? अब वो लोग इस घर की तरफ देखेंगे भी नहीं। सारी सोशल लाइफ का सत्यानाश हो गया। प्रकाश, क्या हमें सारी उम्र अब इसी घर में रहना पड़ेगा? दिल छोटा ना करो मेरी जान, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। हेलो डॉक्टर साहब, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर प्रकाश, टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, तुम बाप बनने वाले हो। रियली? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। बेटे, हम कितने खुशनसीब हैं, तुम्हें कितनी बड़ी नौकरी मिली, इतने बड़े घर में तुम्हारी शादी हुई, अब घर में एक नया मेहमान आने वाला है। बस बेटे, कर्ज का बोझ सर पर चढ़ा हुआ है, उसे किसी तरह उतार कर ये मकान छुड़ा लो। पिताजी आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मकान का कर्जा हम तो चुकाए प्रकाश, जिन्होंने उठाया है वो खुद ही चुकाए। आज कर्जा चुकाने को कह रहे हैं, कल गीता की शादी का बोझ भी हम पर ही डाल देंगे। रीना, आखिर वो मेरे माँ बाप हैं। देखो प्रकाश, एक बात मैं तुमसे साफ साफ कह देती हूँ, इन सब झंझटों में मैं तुम्हारा साथ हरगिज नहीं दूंगी, समझे? थैंक यू, कम अगेन, यू आर वेलकम। सैंडल, ओवर देयर गर्ल। गीता, माली तुम? तुम यहाँ? हाँ, मैं यही काम करती हूँ। मुबारक हो रीना। भाई तुमने तो हमें ये बात बताई नहीं कि तुम्हारी चहती ननन इतनी ऊंची और बढ़िया नौकरी करती है। यार मैं तो अजीब भर के शॉपिंग करूंगी, कम से कम इसी बहाने 10% डिस्काउंट तो मिलेगा। एक्सक्यूज मी, आपको 1% भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, इस दुकान में रेट्स कम ज्यादा नहीं होते हैं। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तब दिवाली की ग्रैंड सेल पर तशरीफ ले आइए। वाह, भाभी तो शर्म से पानी पानी हो रही है, और ये बेशरम तो ऐसी बातें कर रही है जैसे कोई डिप्टी कमिश्नर हो। डिग्री? तो क्या डिप्टी कमिश्नर को 4 हाथ होते हैं? जैसे वो मेहनत और मजदूरी से अपनी रोटी कमाता है, वैसे हम लोग भी मेहनत और मजदूरी से हमारी रोटी कमाते हैं। डिग्रा, एम नहीं बोले हाँ? आंटी, मेहनत मजदूरी की बात तुम इन तितलियों से कर रही हो, ये दो लफ्ज तो इनकी डिक्शनरी में ही नहीं है। मेहनत मजदूरी तो इनके घर वाले करते हैं बेचारे, ये तो सिर्फ उनके खून पसीने की कमाई को बर्बाद करना जानती हैं। शट अप! गीता, अपनी जबान को लगाम दो। लगाम की मुझे नहीं भाभी, मॉडर्न सोसाइटी की इन बेलगाम घोड़ियों की जरूरत है, जिनका जिधर जी चाहता है चल देती हैं, जो मुंह में आता है बक देती। गीता, इन्हें तो इतना भी नहीं मालूम है कि इनके बच्चे कौन से स्कूल में कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, ये तो सिर्फ ताश के पत्ते और रम्मी के नंबर गिनना जानती हैं, वो भी झूठे। खबरदार, जो हमारी दुकान में गाबे की लिस्ट हो, आउट यू गो। ओह यू एंड यू टू आउट। भाभी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, इनकी सोसाइटी छोड़ दो।